जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जैसे कि अहोई अष्टमी आने वाली है, तो मैं आपको सुनाती हूँ राधा कुंड की महिमा। राधा कुंड और कृष्ण कुंड कैसे प्रकट हुए, कैसे बने और क्या है उनकी महिमा। अहोई अष्टमी को राधा कुंड में क्यों स्नान किया जाता है, कैसे उस जो लोग स्नान करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, वो मैं आपको सारी कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राधा कुंड के वो 6 रहस्य जिनको करने से संतान की प्राप्ति होती है। मथुरा से 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड नाम का एक स्थान आता है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। आओ जानते हैं कि इसका क्या रहस्य है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गौ चरण चरा रहे थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नाम का जो राक्षस था, उसने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा। अरिष्टासुर नाम का जो राक्षस था, उसने गाय का बछड़े का रूप बना लिया और सोचा, कंस की आज्ञा से आया था कृष्ण का वध करने के लिए, तो उसने सोचा भगवान कृष्ण पर मैं हमला करूंगा और बाल कृष्ण को मार दूंगा, तो वध करना चाहा। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी था। जब राधा कुंड बना नहीं था, उससे पहले वो क्षेत्र अरिष्टासुर की नगरी था, अरीध वन थी, उसका नाम था अरीध वन। तो भगवान कृष्ण उस राक्षस को मारने के लिए उसके ही क्षेत्र में गए हैं। ये है हमारे कृष्ण की लीला। राक्षस सोच रहा है कि मैं भगवान को मारूंगा, भगवान कहते हैं मैं तेरे ही धाम में आकर, तेरे ही नगर में आकर, जैसे कंस को कंस की नगरी में आकर, रावण को लंका में जाकर, तो भगवान उसकी भूमि पर जाकर ही उसको मारते हैं। तो अरीध वन थी जो उसकी भूमि, वहां पर भगवान कृष्ण गाय चरा रहे हैं। अरिष्टासुर वहां पर आ जाता है बछड़े का रूप बना के। अरिष्टासुर से ब्रजवासी बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए कृष्ण को उसका वध करना ही पड़ा। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने तो गोवंश का वध किया है, आपको तो गौ हत्या का पाप लगा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी उस कुंड के बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा, उसमें श्री कृष्ण ने स्नान की दोबारा किया। श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को कृष्ण कुंड और राधा जी के खोदे हुए कुंड को राधा कुंड कहते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा और राधा जी ने अपने कंगन से खोदा, इसीलिए उसको राधा जी के कुंड को कंगन कुंड भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण पर गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज खंड में महारास के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था। जब राधा कुंड बन गया तो राधा रानी ने कहा, अब ये कुंड बना है ना प्रभु, तो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लोगों को उनके पाप से मुक्ति के लिए और उनको संतान की प्राप्ति का प्रदान दीजिए आप, कि इस कुंड में जो भी स्नान करे उसको संतान की प्राप्ति हो। राधा जी ने जब भगवान के सामने यह इच्छा रखी है, तो प्रभु राधा रानी की इच्छा ना पूरी करें ये तो हो ही नहीं सकता, तो भगवान ने तुरंत कहा, राधे जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जो अहोई अष्टमी के दिन स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद वहां पर महारास रचाया है। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों के साथ महारास करते हैं। तभी राधा कुंड पर आज भी बहुत संत, बहुत ही जो गहन ध्यान में बैठे होते हैं भगवान के, वो तो वहाँ पर बैठ के अपने तप में लीन रहते हैं, पूजा में लीन रहते हैं माता महारानी के, भगवान श्री कृष्ण के। क्योंकि राधा कुंड पर, कृष्ण कुंड पर बैठकर ध्यान करने से भगवान की जल्दी प्राप्ति होती है, भगवान में लगन लगती है। ये पौराणिक कथा के आधार पर कार्तिक अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, इस दिन राधा कुंड में हजारों दंपत्ति आते हैं, स्नान कर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। और राधा कुंड में स्नान करने से हेतु देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आते हैं। मान्यता है कि सप्तमी की रात्रि को पुष्य नक्षत्र में रात्रि 12 बजे स्नान किया जाता है। इसके बाद सुहागिनें अपने केस खुलकर राधा बालों को खोलकर राधा की भक्ति का
आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र रत्न की प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को भी पति पत्नी जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है निर्जला व्रत रखते हैं एवं दंपति को वेद लक्षणा गौ माता के गोबर से राधा कुंड की कसी दीवार पर स्वास्तिक भी बनाया जाता है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी विशेषता है। कृष्ण कुंड का जल दूर से देखने पर काला और राधा कुंड का जल दूर से देखने पर सफेद दिखाई देता है। श्री राधा कुंड की बनावट एकदम सीधी और कृष्ण कुंड की जैसे हमारा ठाकुर टेढ़ा है ना, तो उसका कुंड भी टेढ़ा मेढ़ा है। मेरे बांके बिहारी की लीला ही बड़ी अद्भुत है, बड़ी न्यारी है। तो जब भी वृंदावन जाएं, गोवर्धन जाएं, तो राधा कुंड के और कृष्ण कुंड के दर्शन जरूर कीजिएगा। वहां पर प्रार्थना पूजा अवश्य कीजिएगा। राधे राधे। मेरी कथा कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नित्य मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने सगे संबंधियों में भी मेरे वीडियोस को शेयर कर मुझे सपोर्ट दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।